अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह भगवान ईश्वर अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालदेन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालदेन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट वो होता है क्या, टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है, जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद, उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, यह कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए।